सिम चलेंगे तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप कि सब लोग सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। तो ये वीडियो और ये ब्लॉग है एक अवेयरनेस का, जो कि मैं आगे क्लिप में आपको दिखाऊंगा। यदि आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो कृपया करके शोरूम से ही खरीदें, ना ही किसी रिटेलर की या फिर किसी भी उल्लू पुल्लू की दुकान से। और आप कम पैसों में सस्ते मोबाइल के चक्कर में बहुत लंबे फंस सकते हैं। गाइस, यह है सुपरमार्केट मुरादाबाद का, यानी कि करोल बाग। यहाँ पे आपको हर तरीके के मोबाइल, मोबाइल कवर, मोबाइल की रिपेयरिंग, एप्पल की रिपेयरिंग सब बहुत ही ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी। भाई, अगर आपको एनर्जी फील बिल्कुल भी नहीं हो रही हो और आपका बीपी समझो ऐसा हो रहा हो कि जैसे कि लो, बहुत थकान सी हो रही हो, किसी चीज़ में मन नहीं कर रहा हो करने का, तो प्लीज़ कुछ भी मत पीजिए, सिर्फ एक गर्म कॉफ़ी पीजिए और अपनी एनर्जी को डबल कर लीजिए। देखो कितनी खूबसूरत सी लग रही है ना भाप निकलती हुई, मज़ा आता है यार कॉफ़ी पियो। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि एक बंदा अपने मोबाइल पे कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है कि किस लकड़ी में फंसा दिया मुझे ETC। तो सीन ये है कि कुछ दो मैम हैं, उन्होंने एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदा इनकी शॉप से, ये जो भैया थे जिनको मैंने वीडियो क्लिप में दिखाया। तो उनका ये कहना था कि वो इनकी शॉप से सील पैक बॉक्स लेके गई थी, जो कि मोबाइल आउट ऑफ कंट्री का था, यानी कि USA का था। अगर भैया आप क्लेम कर रहे हो कि ये बॉक्स पैकिंग का है, बिल्कुल पैक्ड है, सील पैक्ड है, तो भाई उसके अंदर सिम निकला उनको। जैसे उन्होंने अनबॉक्स किया मोबाइल को तो उसमें सिम निकला और सिम बिल्कुल एक्टिवेट था, जिससे कि वो डर गई और उस पर कॉल भी आया। तो वो तुरंत इनकी शॉप पर आई तो उन्होंने थोड़ा सा बहस वहस किया, तो भैया ने उनको थोड़ा सा समझा दिया कि ऐसा हो जाता है बाय मिस्टेक, कभी कभी कंपनियां ऐसे दे देती हैं, भूल जाती हैं। तो वो डर गई, फिर वो कह रहे हैं कि चलो एप्पल केयर चलो, तो पंगा बहुत लंबा पहुँच गया। तो कुल मिला के रीज़न यही है कि अगर आप भी कभी ऐसे टाइप के भैया से, जिसकी कीमत मोबाइल की भाई 1.5 लाख रुपए हो और आपको वो 70 या 90 हज़ार रुपये में दे रहा हो, तो कृपया करके पहले आँख नाक कान सब खोल के दिमाग चला के उनसे मोबाइल। तो बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप ऐसे किसी भी ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसें, कृपया करके आगे से अपनी अकल लगाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो आई होप यही करता हूँ कि आप थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें बिना बिल्कुल भी मत जाइए। बहुत ज़्यादा भाई का बैग इधर गिर रहा है, भाई खुद इधर गिर रहा है, भाई का हेलमेट उधर गिर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। भाई जिसके भी पापा, जिसके भी भैया, जिसके भी चाचा, जिसके भी ताऊ हैं ये, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो भैया देख लो, ऐसे घर पहुँचता है इंसान, गिरते गिराते। शराबी नहीं मुझे पिलाई गई।